तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ए एक्स। ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है फंक्शन को, लेट वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स। ओके, ये आपका गिवन फंक्शन है, इसको इक्वेशन वन कर दो। फिर क्या करते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट्स देते हैं एक्स को, और वाई में डेल्टा वाई इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक्स में डेल्टा एक्स दिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं सीधा, चेंजिंग एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स सो दैट वाई चेंजेस टू वाई प्लस डेल्टा वाई। ओके, रेस्पेक्टिवली वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स हैं एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, देन इक्वेशन वन विल बी, इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई पावर ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स में डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं, और वाई में भी हमें डेल्टा वाई इंक्रीमेंट मिल जाएगा फिर। ओके, तो ये जो यहाँ पे ई पावर ए एक्स था, तो आपको सिर्फ एक्स के साथ ऐड करना है डेल्टा एक्स। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सीधा यहीं पे ही डेल्टा एक्स बड़ा सा ऐड कर देते हैं, वैसा नहीं करना। जहां पर एक्स है तो बस वहां उसके साथ प्लस डेल्टा एक्स कर देना है। ओके, और ये ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, ताकि ये ऐसा ना बन जाए कि ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स आगे जाकर थोड़ा दूर अलग सा हो जाए, ये ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होना चाहिए। ओके, तो इसको दे दो आप इक्वेशन टू दे दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबट्रैक्टिंग। ओके, तो चलिए सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन थ्री टू वी गेट। तो इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करना है टू में से। ओके, तो चलिए इसका लेफ्ट माइनस इसका लेफ्ट, तो ये आ जाएगा आपका वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई पावर ए एक्स। ओके, याद रहे कि जो ये पावर्स होती हैं, तो पावर्स और जो बेस है उसके बीच में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। ओके, जो पावर है आपकी, तो पावर जो है तो वो बेस से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा लिखो, ए एक्स छोटा छोटा लिखो। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा और ये चीज़ थोड़ी छोटी छोटी। ओके, आप देखिए प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसल। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई पावर, मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है, ए इंटू एक्स ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स। ओके, माइनस ई पावर ए एक्स, इसको मैं और खोलता हूँ, आपको अब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब हम पावर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ए पावर एक्स है और दूसरा है ए पावर वाई, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ओके, तो हम लिखते थे ए पावर एक्स प्लस वाई। अब वापस देखें आप, तो ए पावर एक्स प्लस वाई है, तो उसको आप वापस उसकी जगह ये लिख सकते हैं, होता है ना, इक्वल टू एक दूसरे के, तो बेसिस आर पावर्स, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। वैसे यहाँ पर केस है, बेस सेम है, पावर्स को एड किया गया है, तो मैं क्या करता हूँ, ई पावर ए एक्स को अलग से लिखता हूँ इंटू फिर से ई पावर ए डेल्टा एक्स। ओके, तो
ये आ जाएगा e पावर ए एक्स इंटू e पावर ए डेल्टा x, ये माइनस e पावर ए एक्स। ओके, इसको आप अगर दोबारा से देखेंगे इस चीज को तो बेस सर सेम, पावर्स आर एडेड, e पावर ए एक्स, e पावर ए डेल्टा x, बेस सर सेम, तो इसका आ जाएगा e ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ई ई का ई ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, तो इसको हमने वापस उल्टा करके इसका अलग अलग करके लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपका डेल्टा वाई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, यहां से इसके पास भी ई पावर ए एक्स है, इसके पास भी ई पावर ए एक्स है, मैं दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, इस टर्म से भी और इस टर्म से, दोनों से ई पावर एक्स कॉमन लेता हूँ। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, यहां पर क्या बचेगा ई पावर ए डेल्टा एक्स माइनस, यहां पर बचेगा वन, ई पावर ए एक्स कॉमन चला गया, पीछे वन बचेगा। ओके, तो अभी हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, इसको देते हैं इक्वेशन थ्री। तो डेल्टा वाई का जब वैल्यू मिलता है उसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट। ओके, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, चलिए डिवाइड करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर ए डेल्टा एक्स माइनस वन। यहां पर मैंने ज्यादातर देखा हुआ है जब टीचिंग के टाइम की कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ये माइनस वन है ये इसमें से कॉमन लिया गया है ना, तो ये जब ई पावर ए एक्स कॉमन लिया था तो ये माइनस वन बचा यहाँ पे, तो बच्चे क्या करते हैं इसके साथ अटैच कर देते हैं माइनस वन को, और कभी कभी ई पावर जो है तो पावर को इसके साथ ही लिख देते हैं, ई के साथ ए डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पावर को ऊपर लिखना है और थोड़ा इससे छोटा होना चाहिए, और माइनस वन जो है बस इसके सामने आगे होना चाहिए थोड़ा। ओके, इसके साथ टच नहीं करना माइनस वन को। ओके, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल आपको याद रखना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स, तो यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए, यहाँ भी डिवाइड करते हैं। ओके, या दोनों साइड डिवाइड। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो टेकिंग लिमिट्स या अप्लाइंग लिमिट्स जो आप लिखना चाहें, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो टू बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे ये लिमिट लेनी है आपको, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वाली, तो वी गेट हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लेफ्ट साइड को लगाया मैंने लिमिट, राइट हैंड साइड को भी लगाता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर ए डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो ये आ गया आपका हमारा लिमिट लगा के। अब हम इसको एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट बनाएंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x और यहाँ भी x से डिवाइड करता हूँ। ओके, चलिए करते हैं। ओके, तो हमारे पास लेफ्ट साइड से क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड से चल रहा है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आपके पास है e पावर ए एक्स। ओके, तो यहां पे ब्रैकेट में है e पावर ए डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो मैं डेल्टा एक्स को थोड़ा राइट साइड जैसे रखता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहां पर एक स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है जिसका वैल्यू मुझे वन मिले। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जो चीज यहां पे है पावर में वही चीज मैं यहां बनाना चाहता हूँ, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए डेल्टा एक्स, मुझे यहां पर ए डेल्टा एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहां पर ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हम यहां पर भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर, ठीक है, और इधर भी ए से करेंगे, तो ये कैंसिल हो सकता है वापस,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ए ई पावर ए एक्स ब्रैकेट स्टार्ट ए पावर ई पावर ए डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन ए डेल्टा एक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तो ये वापस कैंसिल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमें अब यहाँ पर एक लिमिट मिल रहा है इसका, इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा। इसको अब आपने याद रखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से लिमिट पुट करता हूँ, इसको अलग से करता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ए इंटू ई पावर ए एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर ए डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन ए डेल्टा एक्स। ओके, तो अब इस चीज का जो लिमिट का वैल्यू है वो वन होता है, ठीक है, दिस लिमिट इज इक्वल टू वन। तो यहां पर हम लिखेंगे बट जो लिमिट का जनरल फॉर्मूला हम वो लिखेंगे। ओके, बट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू वन, ये लिमिट क्या होती है, वन होती है। तो सेम यही फॉर्म बन रहा था यहां पर भी, एक्सटेंड्स टू जीरो। ओके, वन सेकेंड, अभी हमें क्या करना है, यहां पे ए भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए से यहां भी मल्टीप्लाई करता हूँ, यहां भी करता हूँ, ठीक है। तो ए इंटू जीरो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहां पर भी अब ए डेल्टा एक्स है, यहां भी ए डेल्टा एक्स है, यहां भी ए डेल्टा एक्स है। ओके, जैसे यहां पर एक्स एक्स एक्स, तो तीनों जगह सेम हो गया, तब ये लिमिट वन हो जाती है। तो यहां पर सेम फॉर्म बन रही है, तो इसका आंसर हम वन लिखेंगे। देयरफॉर ये चीज लेफ्ट साइड लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ए इंटू ई पावर ए एक्स इंटू, इसका पूरे का आंसर वन आ जाएगा। ओके, तो अब ये क्या चीज है, ठीक है, तो इसको हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं हम डीवाई बाई डी एक्स, होता है ना, लिमिट डेल्टा एक्स अगर ये टेंड करता है जीरो को, जीरो का अप्रोच करता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसका एक्सप्रेशन होता है इसके लिए डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए ई पावर ए एक्स। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां जीरो पुट करना होता है, तो यहां पर तो डेल्टा एक्स कहीं है ही नहीं, तो ये पूरी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स, इसमें डेल्टा एक्स है नहीं, तो आंसर यही आएगा। ओके, तो सीधा इसका इस लिमिट का मतलब आंसर आएगा, क्योंकि पुट करना ही नहीं है कुछ, यहां पर डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो आंसर बस यही आएगा। तो आंसर आ जाएगा ए ई पावर ए एक्स। ओके, तो यहां से है आपका डीवाई बाई डी एक्स, तो हमारा डीवाई बाई डी एक्स आ गया इतना। इसको देते हैं इक्वेशन कुछ और। अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर वाई का वैल्यू भरना होता है इक्वेशन वन से, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई, ये नहीं चल रहा है, एक सेकेंड मैं आपको फिर से बताता हूं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, इस चीज को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो यहां से ये लिमिट मैंने ऐसे ही लिखा और ये वन था। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहां पर तो डेल्टा एक्स है ही नहीं है ना, तो इसका मतलब आंसर यही आएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई ही नहीं होगा, ये चीज इंडिपेंडेंट है डेल्टा एक्स के। ओके, इसमें डेल्टा एक्स आया नहीं, तो आंसर यही आएगा। तो इसका आ गया यहां से, इसका एक्सप्रेशन होता है डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं इसको, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। ओके, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास डीवाई बाई डी एक्स आ गया ए इंटू ई पावर ए एक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम वाई का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन वन से इक्वेशन फाइव में। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन इन इक्वेशन फाइव वी गेट, तो वाई कितना था, वाई आपके पास
ई पावर ए एक्स था, ठीक है ना, जो फंक्शन दिया था वही है वाई, तो यह आ जाएगा देर फोर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई की जगह पे क्या लिखना है ई पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए ई पावर ए एक्स, तो ये निकल गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो यही हमको निकालना था। ओके, तो हमने देखा कि एब इनिशियो मेथड से जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं ई पावर ए एक्स का, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, तो ई पावर ए इंटू समथिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ए कॉन्स्टेंट ये कोएफिशिएंट लगा है एक्स वेरिएबल के साथ, तो आंसर आएगा ए इंटू ई पावर ए एक्स, तो जो यहाँ पे होगा वो डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ जाएगा और वापस ई पावर ए एक्स वैसे ही रहेगा।